आप देख रहे हैं दखल न्यूज। विधानसभा चुनाव के बाद जहां स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीन को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस हंगामा कर रही है, वहीं छतरपुर के स्ट्रांग रूम की व्यवस्था की कांग्रेस तारीफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मतगणना 11 दिसंबर को होगी, लेकिन कांग्रेस नेता आशंका के चलते सभी जगह स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। इस बीच पता चला है कि छतरपुर में स्ट्रांग रूम पर की गई व्यवस्था से कांग्रेस नेता काफी संतुष्ट नजर आए और वह इंतजाम की तारीफ भी कर रहे हैं। अंदर की व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त है और जिस तरह से प्रत्याशियों के मौजूदगी में, उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वहां सीलबंद की गई हैं और चारों तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, मैं प्रशासन को बधाई और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रशासन ने अपनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखी है, ऐसी ही रहेगी और हम लोग सभी प्रत्याशियों को मदद मिलेगी। छतरपुर में प्रशासन ने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल पर इतने पुख्ता इंतजाम किए हैं कि परिंदा भी पर ना मार सके। स्ट्रांग रूम के पास एलईडी टीवी लगी है, वहीं स्ट्रांग रूम के पास राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी तैनात हैं। वहां भी एलईडी टीवी की व्यवस्था की गई है। इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।